हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेवल टू। और मैं प्रतिमा, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज मैं जा रही हूँ जटाशंकर। जटाशंकर ये शिव भगवान का एक स्थान है जो जूनागढ़ में है। गुजरात का जो जूनागढ़ है, यानी कि गिरनार पर्वत का जो एरिया है उसे जूनागढ़ कहते हैं। और उस गिरनार रोपवे के बगल से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं वो जाता है जटाशंकर भगवान के मंदिर के लिए। तो आज हम जटाशंकर मंदिर जाएंगे, जो तकरीबन 500 स्टेप्स के ऊपर है। थोड़ा सा ट्रैक जाएगा जो आप ये देख रहे हैं, उसके बाद थोड़ी सी सीढ़ियाँ आएंगी और उसके बाद थोड़ा सा रॉकी पैच आएगा, एक झरना आएगा जिसे हमें क्रॉस करके ऊपर जाना होगा जटाशंकर भगवान के दर्शन के लिए। तो मैं अभी भगवान के दर्शन के लिए जा रही हूँ और आप भी मेरे साथ चलिए और भगवान का दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। चलिए, अभी हमने थोड़ा सा ट्रेल किया है जो वॉकिंग था और यहाँ से आगे स्टेप्स शुरू हो जाएंगी। तो मुझे लगता है तकरीबन 500 स्टेप्स है यहाँ पर आने के लिए। तो यहाँ से आगे हमारा एक्चुअल ट्रैक शुरू होने वाला है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इस रास्ते पर काफ़ी सारे जंगली जानवर भी हैं, तो इनसे आप बचकर रहिए और इस बात का ख्याल रखिए कि आप किसी जानवर से ना टकराए। इस ट्रैक की यह खासियत है कि यहाँ का जो ट्रैक है वो पूरा अच्छे से बना हुआ है। और अभी यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा सा खड़ा चढ़न, जो हम बोलते हैं खड़ी चढ़न, वो शुरू होने वाली है। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगी और शायद इसके बाद मंदिर आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है ऑलमोस्ट हमने 100 to 150 स्टेप्स क्लाइंब कर लिए है। तो लेट्स सी अभी यहाँ से आगे जाकर मंदिर और कितना दूर है। ओम नमः शिवाय। चलिए, थोड़ा सा आगे आने के बाद हमें ये ओपन स्पेस दिख गया और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही रोपवे है जिससे हमने कल गिरनार यात्रा की। आप देख सकते हैं यहाँ से ये सब कितना छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन ये जो व्यू है वो काफ़ी सुंदर है। और ये जो माउंटेंस है इनके ऊपर पूरे बादल आ गए हैं। और मैं तो कहूँगी अगर आप यहाँ आने वाले हो तो थोड़ा सा जल्दी आइए, अर्ली मॉर्निंग आइए, ताकि आप भी ये ऐसा व्यू और ये नज़ारा इन्जॉय कर सकें। हेलो समीप। हेलो। अभी हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं और हमें ये पूरा ओपन व्यू मिल गया है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ से जो व्यू है वो पूरा ओपन है, वहाँ पे जो है वो गिरनार माउंटेन्स है। और अभी यहाँ से मैं आगे जाऊँगी और मुझे लगता है अभी थोड़ी देर में जटाशंकर मंदिर आ जाएगा। चलिए, हम लोग ऑलमोस्ट 500 स्टेप्स चढ़कर ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है एक जो रास्ता है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है जटाशंकर भवानी रास्ता। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भवानी रास्ता ही लिखा है। तो जटाशंकर के लिए लेफ्ट हैंड साइड में रोड जाता है, आपको वहीं पे मुड़ जाना है। हम लोग
प्रॉपर एक ट्रैक से आ रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ऐसे रोड से जाना होगा, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए और उस हिसाब से ही अपने टीम को लेकर यहाँ पर आइए। कंफ्यूजन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि झरना क्रॉस करने के बाद यहाँ पे पत्थरों के ऊपर एरोस किए हुए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे आना है और ये जो रोड जाता है आपको डेंस फॉरेस्ट में एकदम सीधा अंदर नहीं जाना है। देखिए मेरे राइट हैंड साइड में पत्थर है और मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ से छोटा सा रोड जाता है जहाँ से अभी वो लोग जाएंगे, मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने के चांसेस है, और एक बात, अगर आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं तो उनके लिए ये जो रोड है वो बहुत डिफिकल्ट है, तो अगर कोई आना चाहता है तो अच्छे ग्रिप के शूज़ पहन के आइए, और दादी दादाजी लोगों का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि फॉरेस्ट भी डेंस है। और यहाँ पर हमें तो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, तो अभी आप, मैं आपको जो रास्ता दिखाती हूँ उसे ही फॉलो करके आगे जाइए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलिए, यहाँ आने के बाद ऐसे वापस आपको एरोस दिखेंगे, लेकिन यहाँ के पत्थर जो है थोड़े छोटे छोटे हैं, तो इन्हें फॉलो करके जाना है। हमें यहाँ की लोकल पब्लिक ने बोला है कि 2-5 मिनट में अभी मंदिर आ जाएगा। चलिए, अभी मैं वो स्टोन्स का जो रोड था वो क्लाइम करके यहाँ तक आ गई हूँ। यहाँ पे लिखा है जय जटाशंकर और ऊपर आपको वो मंदिर दिख रहा होगा, तो यही रोड है जटाशंकर मंदिर को जाने का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वातावरण है वो कितना अच्छा है, बहुत सुहाना है, और बारिश भी आ रही है, तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आएंगे सूरज उगने के बाद, तो आपको ये नज़ारा काफ़ी अच्छा लगेगा और आप बहुत इंजॉय कर पाएंगे। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो बेटर है, क्योंकि अकेले आना, पहले टाइम अगर आप आ रहे हैं तो अकेले आना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो कोई लोकल आदमी दिखेगा तो उसको आप पूछ कर आइए ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। चलिए,
अचीव हुए हमारे साथ। आप ये माहौल देख सकते हैं कितना बढ़िया है, और बारिश आ रही है, डेंस फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बीच में शिव जी का मंदिर है, यहाँ से गंगा बह रही है, और ऐसे वातावरण में जबकि बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर, इन्होंने हमें अभी गर्मा गर्म चाय बना के दी है जो अभी मैं पीऊँगी। और मुझे ये हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी लगी कि जब लोग ट्रक के ऊपर आते हैं तो ये लोग एक बढ़िया सी चाय बना कर दे रहे हैं, और मुझे इस बात का बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब की कि इन्होंने हमें इतनी अच्छे से हमारा स्वागत किया यहाँ पर। मस्त जबरदस्त सही है। आज हमने जटाशंकर महादेव के बहुत ही अच्छे से दर्शन किए, हमारा मन बहुत प्रसन्न हो गया। इतने ऊपर जाने के बाद हमें बहुत ही सुंदर दर्शन मिले भगवान के। और मैं एक बात कहूँगी, अगर आपको नेचर में आना पसंद है तो आपके लिए ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है आने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे आजू बाजू पूरा डेंस फॉरेस्ट है, आगे जाने के बाद थोड़ा रॉकी पैच आता है और झरने भी यहाँ से बहते हैं। कंटिन्यूसली यहाँ पर झरने की आवाज़ आती है, पंछियों की आवाज़ आती है, यहाँ पर बंदर हैं, बहुत सारे पिकॉक्स हैं जो हमने देखे। और मैं तो कहूँगी यहाँ पर जो आवाज़ आती है, मधुर मधुर पंछियों की आवाज़ या फिर झरने की आवाज़, तो ये सब एक अलग सा माहौल बना देता है जो इस ट्रैक को बहुत इंटरेस्टिंग करता है। तो अगर आपके साथ बुज़ुर्ग लोग हैं तो थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखिएगा उनका, और आप पूरे फैमिली के साथ ये ट्रैक एंजॉय कर सकते हैं और शिव भगवान का दर्शन भी ले सकते हैं। इसी के साथ आज का ये एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं आपको मिलूंगी अगले एपिसोड में अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको पता चलेगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप आने वाले नए नए वीडियोज़ का आपको अपडेट मिलता रहे। जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।